अस्सलाम वालेकुम गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो कैसे हैं आप सब लोग? आई होप कि सब बिल्कुल खैरियत से होंगे और ठीक ठाक होंगे। तो गाइस, आज का जो व्लॉग है ये दूसरा पार्ट है जो कल का व्लॉग अपलोड हुआ, आपने देखा होगा। जैसे उसमें जो है हम अपने कबूतरों के लिए घर बना रहे थे, वो घर जो है कम्प्लीट हो चुका है, अभी मैं आपको दिखाने वाला हूँ। और पहले जैसे ये देखेंगे, सारा एरिया साफ़ हो चुका है। कल आपने देखा होगा कितना गंद था यहाँ पर, तो सारी सफाई हो गई है। और हमने जो है मुर्गियों के लिए यहाँ पर रेत डाल दी है और मुर्गियाँ बहुत ही खुश हैं यहाँ पर। देखिए, तब से मैंने देखा था मुर्गियाँ सारी लेटी हुई थी, क्योंकि गीली है ना रेत, तो काफ़ी ठंडी है, तो यहाँ पर काफ़ी खुश हैं वो। अभी मैं आपको दिखा देता हूँ वो कमरे जो हमने तैयार किए हैं। आप भी कहोगे कि क्या टाइम वेस्ट करता है, तो दिखा दें। यार इतने को ख़ास बने नहीं हैं, अभी एक दिन का काम और भी इसमें होगा, थोड़ा बहुत लेवल किया जाएगा इसको। तो ये देखें माशाल्लाह, कैसे लगे हैं? कमेंट्स में लाजमी बताइएगा कि आपको कैसे लगे हैं कमरे। मुझे तो पर्सनली बहुत ही अच्छे लगे हैं, बस ये कि थोड़ा बहुत काम इसका होना है। जैसा कि आप ये देखें, यहाँ से ख़राब है थोड़ा सा, और कुछ यहाँ से भी ख़राब है थोड़ी बहुत, यानी इसकी सेटिंग होने वाली है, तो वो इंशाल्लाह कर लेंगे, लाजमी करेंगे। ऐसा तो हम छोड़ने नहीं वाले इसको, क्योंकि काफ़ी मेहनत लगी है इस पर। अच्छा, इस पर पता है आप कमेंट्स में लाजमी बताइएगा कैसा लगा आपको। कलर कौन सा करेंगे बताएं? ग्रे रंग करेंगे, रेड के साथ मैचिंग। ग्रे, हाँ यार ग्रे काफ़ी अच्छा लगेगा। ये भी थोड़ा बहुत गंदा हो चुका है, इसको भी साफ़ करेंगे। ये दीवार काफ़ी गंदी हो रही है, इसको भी थोड़ा बहुत कपड़ा शपड़ा लगा। और उसके बाद अभी हमारा काम है वो ये है कि ये हमारे प्यारे से कबूतर जो हैं यहाँ पर, इन सबको जो है हम यहाँ पर शिफ्ट करने वाले हैं अभी। और अब इनसे इंशाल्लाह धड़ाधड़ ब्रीड देंगे लाजमी, क्योंकि मैंने पहले ब्रीड रोक ली हुई थी इनकी, जब भी अंडे दे रहे थे मैं वेस्ट कर रहा था, क्योंकि इनकी प्रॉपर सेटअप नहीं था, इनके बच्चे मर रहे थे। तो अब जो है इनकी ब्रीड लेंगे और इनके लिए फ़ीमेल्स भी लाएंगे, क्योंकि हमारी फ़ीमेल्स कम हैं, मेल बहुत ज़्यादा हैं। कितने मेल हैं? तकरीबन 7 मेल हैं, है ना? तो 4 फीमेल। हाँ, 7 मेल और 4 फीमेल हैं बस। जब भी कोई नई फीमेल आती है ना यहाँ पर, सभी उसके पीछे पड़ जाते हैं, तो इनके लिए इंशाल्लाह फीमेल्स भी लाएंगे। तो अभी जो है इन सबको यहाँ पर शिफ्ट करते हैं। आ जाओ पकड़ते हैं, आ जाओ। तो इन्हें खींचते हैं, पकड़ते हैं। और मौसम भी बहुत अच्छा हो गया माशाल्लाह। यार ये फिर सारा गंदा करेगा, हवा से नीचे गिर रहा है वो, देखो। इसका कुछ नहीं हो सकता, ये फिर भी करना पड़ेगा साफ़, इसको कुछ नहीं हो सकता। आ जाओ अंदर चलते हैं, आ जाओ। ताला क्यों रख देते हो? मैंने नहीं रखा, तुमने रखा था, खुद रख के बोल दिया। हाँ भाई लक्की भाई, क्या हाल है, किधर भाग रहा है? आ जाओ, तुम लोगों को नए घर लेके जा रहा हूँ, आ जाओ। मोटों को लेके जा रहे हैं, दो मोटे कबूतर पकड़े हुए। बंद करो बंद करो। तो एक कबूतर हमने छोड़ दिया यहाँ पर, दूसरे की बारी है। बंद कर दो अहमद, बंद कर दो। अब इनके जल्दी से पर हो गए, इनके पर भी हो ना तो ये ज़्यादा नहीं उड़ सकते हैं, ये कितनी इतनी 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 जंप कर सकते हैं ना बस। ये मोटे से हैं, ये उड़ भी लेते हैं थोड़े बहुत, ये भी बात नहीं कि उड़ते नहीं है। चलो पकड़ो तुम, मैं देख रहा हूँ तुम्हें। यहाँ पर सभी इकट्ठा हो गए, एक मिनट के लिए यहाँ। ओए ओए, ध्यान से, आराम से, आराम से, आराम। गाइस अंदर देखिए माशाल्लाह, सारे को कितने खुश हैं, सारे मस्तियाँ कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा अंदर खुश लग रहा है मुझे। और अपने अपने कमरे भी चूज़ कर रहे हैं यहाँ पर। कमरे तो खैर बहुत सारे हैं, कितने चूज़ करेंगे वो, कैसे बैठ गए जैसे चमकादड़ हो। चले रह गए, नहीं दो रह गए, एक वो भी है, उसको पकड़ो। उसने तोता पकड़ लिया, तू छोड़ दो। क्या वो जो कुछ जगहें ख़राब है अभी ठीक कर लेते हैं, मौसम भी अच्छा है, सुबह तक सूख। यार बारिश ना हो जाए, बारिश ना हो जाए, साथ ही साथ वो कबूतरों क्या कहते हैं, वाकई यार बारिश होगी तो हमने तो तरपाल हटा दिया हो शॉप पर, प्लास्टिक भी हटाया हुआ है। चलो कोई नहीं, जो हमारे पास बचा हुआ है ना प्लास्टिक, वो इसके ऊपर ऐसे रख देंगे, कुछ नहीं होगा।
कितने चम्मच डालोगे? बेजायका। चार कर दो, चार आखिरी। कबूतर मस्तियां करने से बाज ही नहीं आ रहे, तब से बोले जा रहे हैं। मजा आ रहा है ना उनको, देखो ना कितने खुश हैं। साहब ने बहुत ही कमाल किस्म का मसाला बनाया, ऐसा मसाला तो मिस्त्रियों ने इनका बनाया है जो बना के हैं। दीदी से टेस्ट करो। हाँ चलो तुम कर लो मेरे हिस्से का, मुझे नहीं खाना। चलो उठो, शाबाश। वो लेके आओ चीज, इसका टैबलेट लेकर आओ। इसे क्या कहते हैं यार, पता नहीं। गरमाला बोलते हैं, गरमाला। देखो मिस्त्रियों वाले कहाँ बातें भी इसको आ गई। दरवाजा बंद कर दो अहमद, दरवाजा बंद कर दो। देखते हैं तुमसे बनता। देखो गिर रहा। अभी कबूतरों का पानी भरने वाला हूँ, ये काज से मुश्किल होना तो भर के ही मिलता हूँ फिर आप लोगों से। तो यार मैंने थोड़ी बहुत सेटिंग की है अंदर की, पर ज़्यादा नहीं हो सकी, बहुत मुश्किल काम है। अभी ये है कि वो सीमेंट भी गीला है, उस पर चिपक नहीं रहा, हम लगा रहे हैं एक्स्ट्रा, वो बाकी लगा हुआ भी उतर रहा है, इस वजह से अभी नहीं कर रहे। अभी तो कबूतरों के लिए पानी रखेंगे। दवाई लिया यार, फ्लैजिल लिया, सिर्फ फ्लैजिल सिर्फ जो है वो दे देते हैं। अभी जो है कबूतर जो है ना थोड़ा बहुत मैदे का मसला कर रहे हैं, इनको इनकी जो है ना दस्त लग गए इनको एक तरह से, तो अभी वो थोड़ा बहुत ठीक करेंगे। चलो जी लाओ गाइस, मैंने पानी रखा ही है और फौरन ये पीना शुरू हो गए हैं, शायद प्यासे थे बहुत ही बेचारे। ये हमारे नए वाले कबूतर, ये भी पी रहे हैं पानी। अभी गाइस मौसम बड़ा प्यारा हो गया, ठंडी ठंडी हवा चल रही है, बहुत ही मज़ा आ रहा है। देखें बिल्कुल ठंडा मौसम हो गया, बादल ऊपर नहीं है पर हवा चल रही है, किधर फैल गया बोरी की तरह। अभी काम करते हैं, ये जो है ना ये नेस्टिंग मटेरियल गिर रहा है यार इससे, देखें ये हमारा घर में ही तैयार हो रहा है नेस्टिंग मटेरियल, हमें कोई लाने की भी ज़रूरत नहीं है। देखें कितने अच्छे तिनके हैं, तो ये सारा हम इकट्ठा करते हैं और कबूतरों के लिए डालते हैं, क्योंकि वो देखें ना कबूतर सारे जो है अपने अपने कमरे चूज़ कर रहे हैं और हो सकता है जल्द यहाँ पर अंडे वगैरह भी दें, तो फटाफट पहले इनके लिए डाल देते हैं ये वाला नेस्टिंग मटेरियल। उठ इकट्ठा कर। तो गाइज अभी शाम हो चुकी है और अभी मैं अपने कबूतरों को देखने आया था कि ये लोग अपने घरों में बैठे हैं या नहीं, तो माशाल्लाह से देखें सारे ही अपने अपने घरों में, पर यार ये पेयर्स नहीं बैठे, ये किंग का पेयर अलग बैठा हुआ है, इनको मैं एक जगह पर कर देता हूँ। और अभी जो है मुझे इस घास में पानी भी लगाना है, क्योंकि घास काफ़ी सूख रही है, क्योंकि मिट्टी सख्त हो चुकी है ना, अभी देखें सूख गई है, तो यहाँ पर पानी भी लगाते हैं ताकि घास जल्द से जल्द आ जाए। तुम्हारा घर ये नहीं है भाई, इधर आओ, ये फीमेल भी तुम्हारी नहीं है, ये किसी की है भाई, ये तुम्हारा घर है। तो गाइस हम मिलेंगे इंशाल्लाह अगली वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा और चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करना है, वीडियो को भी लाइक करना है, भूलना नहीं है आपने। मिलेंगे इंशाल्लाह अगली वीडियो में, अल्लाह हाफिज़।